एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 25 दिसंबर, मतलब आज है क्रिसमस। सो सबको मेरी क्रिसमस। मैं हो चुकी हूँ तैयार। अभी क्रिसमस है, ऑब्वियसली घर पे तो बैठेंगे नहीं, पर आज पूरा डाउनटाउन सन्नाटे में भरा हुआ है, पूरा बंद है, कुछ नहीं खुला क्योंकि क्रिसमस है, ऑब्वियसली बंद ही होगा। तो मैं और सत्या अभी निकल रहे हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं और आज का टेम्परेचर फिर भी ठीक है, -12 है, मतलब फील्स लाइक -12, वैसे -5 है, मतलब बीच के लास्ट के जो दो दिन थे वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंड था, उस हिसाब से आज फिर भी अच्छा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग आज दो जगह पे जाएंगे। जो पहला जगह है वो है डिस्टिलरी, जो मेरे घर के जस्ट बगल में है, 2 मिनट का डिस्टेंस है। तो पहले हम लोग डिस्टिलरी में जाएंगे। डिस्टिलरी में वैसे भी विंटर विलेज बना हुआ है और मतलब क्रिसमस ट्री तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया ना, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है 2 महीने हो चुके हैं, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो हम लोग पहले जाएंगे डिस्टिलरी और उसके बाद हम लोग जाएंगे नेथर क्लिफ स्क्वायर, जहाँ पे स्केटिंग वगैरह होता ही है और वहाँ पर क्रिसमस डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा क्योंकि जस्ट उसके बगल में चर्च है। और प्लान तो ये भी है, अगर चर्च खुला रहेगा तो आज मेरा मन है कि मैं किसी चर्च में जाऊँ, कैंडल वगैरह जला के आऊँ। अगर वो पॉसिबल होगा, चर्च खुला रहेगा तो डेफिनेटली जाएंगे, पर आज का प्लान यही है। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है क्योंकि आज सब कुछ बंद है, तो पेट वगैरह पूजा करके हम लोग निकल रहे सुबह के। मैंने खाना वाना बना लिया, हम दोनों ने खाना भी खा लिया है और अभी ये सत्या तैयारी हो रहा है और मैं हो चुकी हूँ तैयार। जस्ट अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और आप लोगों से जाके मिलते हैं डिस्टिलरी में, उससे पहले मुझे रील्स का वीडियो भी बनाना है। सो काफ़ी तेज हवा है, अभी तो एंट्री फ्री है, आई थिंक शाम को फिर चार्ज लगेगा, अभी लोग भी बहुत कम है। डिस्टिलरी से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं नेथर क्लिफ स्क्वायर, उसके लिए पैसे। चलो थैंक गॉड आज कम से कम स्ट्रीट का चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा, जितना शाम हो रहा है उतना ही ज़्यादा ठंडी बढ़ रही है, स्पेशली हवा बहुत तेज़ हो रहा है अभी, मतलब अभी बात करने में दिक्कत हो रहा है, आँखों से पानी गिर रहा है, मतलब ऐसी वाली ठंडी है। पर फिर भी जल्दी से जल्दी नेथर क्लिफ स्क्वायर जल्दी जाऊँगी और जल्दी कोशिश करूँगी वापस आ जाऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा रात होगा उतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ती जाएगी। और जो भी हो, सबसे ज़्यादा सुंदर तो रात का व्यू ही लगता है क्योंकि चारों ओर लाइट ही जल जाती है, और ऐसे बात नहीं कर पा रही। तो अभी जलती हूँ सीधा, अभी स्ट्रीट कार पकड़ के चले जाऊँगी नेथर। स्ट्रीट कार आ भी गया, अभी वापस आएगा ये, तो इसी में चढ़ के जाऊँगी क्योंकि यार सारा चीज़ बंद है, तो स्ट्रीट कार भी बहुत लेट लेट टाइम लगा लगा के आ रहा है और ऊपर से अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, अभी धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, ऐसा ना कि स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए, फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है अभी। फाइनली अंदर आके बैठ के ना जान में जान आ गई, बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है, अंदर बैठ के जो सुकून मिल रहा है ना, अभी मैं सोच रही हूँ जब सीट कार से उतर जाऊँगी तब वापस यही हालत होने वाला है। मतलब सुबह भी था उस टाइम पे, अभी भी धूप था ना तो सही लग रहा था, अभी जितना बादल आ रहे हैं ना उतना ठंडी बढ़ रहा है और हवा भी काफ़ी तेज़ हो रही है, मतलब रात का तो आज बैंड बजने वाला। अभी दिखा रहा है -25, मतलब फील्स लाइक -25 है अभी, तो सोचो कि ठंडी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग उतने नहीं आज, लोग थोड़े से कम है, मैं भी नेथन फ्री स्क्वायर में मुझे लोग दिख जाएंगे, पर एक दो स्टोर फिर भी खुला है। सो मैं अभी आ चुकी ईटन सेंटर के सामने और उस तरफ है नेथन डाउन टाउन का, सबसे बड़ा सर मुझे यही लगता है। रास्ते की साइड में कितना सुंदर सजावट भी रखा हुआ है,
सो मैं पहुंच गई हूँ नैथन फ्री स्क्वायर में और थोड़ा थोड़ा कैमरा में उतना नोटिस नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही हल्का पर हो रहा है, लोग ज़्यादा नहीं है पर फिर भी ठीक है। वहाँ पर लोग स्केटिंग कर रहे हैं, हाथ मेरे पूरे रेड हो गए, जम गए, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही, बट पता नहीं नोटिस हो रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बर्फ गिर ही रहा है। लोग गिर रहे हैं, पर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट लेके फिर भी स्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिखा देती हूँ, ये रहा यहाँ का क्रिसमस ट्री। एंड यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशन के सामान बने हुए थे, बस ज़्यादातर चीज़ें इन लोगों ने खोल लिया क्योंकि शायद कल रात को ही जो सेलिब्रेट करना था कर लिया, हम लोगों को पता नहीं है। एंड खाली ये जगह स्केटिंग के लिए रखी हुई, सब आ रहे हैं स्केटिंग कर रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ, ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पर कोई छोड़ नहीं रहा है, सब मतलब कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट लेके इसे सब स्केटिंग कर रहे हैं। वहाँ से निकल गई हूँ क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भी तो बंद है, पर हल्का हल्का स्नोफॉल भी होने लग गया है और वहाँ पे चारों ओर बर्फ़ जमा होने के चक्कर में शायद ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लोग सब बहुत स्केटिंग ही कर रहे हैं और वही चलने ही वाला है। जो भी आई थिंक जो भी कुछ था वो हो चुका है। आज तो इतना सन्नाटा लग रहा है ना, मतलब डाउन टाउन इतना सन्नाटे में कभी नहीं रहता है क्योंकि सारे स्टोर्स बंद है, सब कुछ बंद है, खाली यही सब जगह वो लोग जाके स्केटिंग कर रहे हैं। तो वही अभी मैं सीधा घर जा रही हूँ क्योंकि जो भी करना था, घूमना था, वो घूम चुकी हूँ। एंड घर जाने से पहले कॉफ़ी खरीदूँगी, कॉफ़ी पीऊँगी फिर घर जाऊँगी। पता है मेरे मुँह से शब्द नहीं आ रहे क्योंकि मेरे एरिया सून पड़ गया, तो पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप से। ये बाद एक टिम होटल्स मिला था मुझे, ये भी बंद है, भगवान कॉफ़ी कहाँ से पीऊँगी, आज कॉफ़ी की समझ में नहीं है, ऐसे घर जाओ, ऐसे अभी घर भाग जाती है। पहले सीट कार्ड पकड़ लेती जल्द से जल्द क्योंकि मेरे हाथ पे सुन पड़ रहे ना, अंदर सीट कार्ड में जाके बैठूंगी तब जाके थोड़ा आराम मिलेगा। सो मैं स्टॉप पे आके अपने सीट कार्ड का वेट कर रही हूँ, वो आ ही रहा है सीट कार्ड, मेरे को दिख रहा आते हुए, वहाँ बहुत दूर है अभी ये वाला और आ रहा है क्योंकि कॉफ़ी तो मिला नहीं, अभी सीधा घर जाके आराम मिलेगा। इसके अंदर बैठूंगी तो शायद बात करने की हालत में आ जाओ, अभी बात करने की हालत में नहीं हो, उंगली से मतलब सीधा नहीं कर पा रही हूँ, स्ट्रेच करने में भी दिक्कत हो रहा है, इतनी मतलब इतना हालत ख़राब है। चलो मेरा स्ट्रीट कार आ ही गया, जल्दी आ भाई। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है अंदर बैठ के। तो यही था मेरा क्रिसमस का व्लॉग, और मैं थोड़ी सी ना उम्मीद थोड़ी सी मैंने ज़्यादा कर ली थी, एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था कि चारों ओर अलग ही थोड़ा सा रौनक होगा, पर वही है ये हॉलीडे है तो इस चक्कर में सब कुछ बंद है, ज़्यादातर लोग घर में ही है और जो बाहर भी है वो खाली स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, नॉर्मल ऐसे घूम भी रहे हैं क्योंकि अपने मेरे जो फेस्टिवल्स हैं वो मैं उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो आई थॉट कि जो इन लोगों का सेलिब्रेशन है, जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो काफ़ी स्पेशल तरीके से होगा, तो वो भी ऐसा ही था, मतलब हॉलीडे छुट्टी छुट्टी में बंद तो ठीक था, और चर्च भी बंद था कि चर्च में भी जाते, जैसे कि अभी मैं एक चर्च क्रॉस कर रही हूँ ये भी बंद है। चलो दूसरा वाला स्ट्रीट कार आ गया सामने। तो यार यही तक था, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चर्च में घंटी बज रही है।